मेरा नाम है जरीन खान, मेरे चैनल जेड के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आइए आज फिर से हम एक चाट वाली रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है रगड़ा और चटपटे चने। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ली हूँ, आइए मैं बता देती हूँ। ये ली हूँ मैंने चने एक कटोरी, इसे मैंने रात भर पानी में सोक करके रखी थी। और ये ली हूँ मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट, इसे हम एक से दो ग्लास पानी के साथ नमक डालकर बॉईल कर लेंगे तीन से चार सीटी आने तक। यहाँ पे ली मैंने रगड़े के लिए एक कप भिगा हुआ वटाना, इसे मैंने रात भर पानी में सोक की थी। यहाँ पे ली मैंने मीडियम साइज का आलू जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस की हूँ। यहाँ पे ली मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल। यहाँ पे ली मैंने कुछ मसाले, ये मसाले हमें सभी रगड़े के लिए चाहिए। रगड़ा हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे, इसीलिए मैं सभी मसाले एक साथ बता रही हूँ आपको। ये लियो मैंने धनिया पाउडर, ये लियो मैंने चाट मसाला, हींग, रेड कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी रेड मिर्ची का पाउडर, ये ज्यादा तीखा नहीं होता है। ये लियो मैंने जीरा पाउडर, ये लियो मैंने रेड चिल्ली फ्लेक्स या फिर दरदरी कुटी हुई लाल मिर्ची। यहाँ पे लियो मैंने हल्दी पाउडर, यहाँ पे लियो मैंने बारीक बारीक स्लाइस की हुई या फिर हम जो भुर्जी के लिए प्याज कतरते हैं वैसी प्याज कतर के लिए मैंने, और एक मीडियम साइज का टोमेटो, यहाँ पे हरा धनिया और नमक। आइए अब हम इसे बनाना शुरू आइए अब हम रगड़ा बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक कुकर गरम के लिए रखी हूँ, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें अनियन डालेंगे, अनियन को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। अनियन सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये देखिए हमारी प्याज हल्की सी पिंक कलर की हो चुकी है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करते हैं। एक मिनट जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम पकने देते हैं, फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। देखिए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अनियन सब सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें बाकी के हमारे सभी मसाले ऐड करते हैं। देखिए हमने मसाले डालकर इसे एक मिनट तक और सॉटे कर लिया है, अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे। टोमेटो हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने देंगे हम, उसके लिए हम इसमें नमक ऐड करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा एक टेबल स्पून जैसे पानी डालेंगे और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें हमने जो आलू स्लाइस किए थे वो डालेंगे और इसे भी एक से दो मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए हमारे आलू को फ्राई करते हुए एक दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें जो वटाने सोक करके रखे थे ये सब डाल देंगे और इसे एक मिनट तक चलाते हुए पकाने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर, मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी डाली और इसे हम तीन से चार सीटी या फिर जब तक हमारे वटाने सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसे गला लेंगे। ये देखिए हमारा रगड़ा भी बॉईल हो चुका है और कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट गला है ये हमने, देखिए ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना इजीली टूट रहा है, हमें इसे इतना ही गलाना है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमने इसमें ऑलरेडी सब मसाले डाल चुके, हमें इसमें कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम इसे गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ खटाई, पपड़ी और सेव, थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम सबसे पहले इसमें पपड़ी के कुछ पीसेस डालते हैं, ये देखिए अब हम इसमें खटाई डालते हैं, ये देखिए खटाई आपको जितनी चाहिए आप उतनी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इस पे सेव डालते हैं और हल्का सा चाट मसाला। ये देखिए हमारा रगड़ा रेडी हो चुका है, आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, इस रेसिपी को लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली सब रेसिपी आपको फ्री में सबसे पहले देखने। आइए अब हम चने भगाते हैं। चने भगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन हीटअप के लिए रख चुकी थी और इसमें मैंने एक टेबल स्पून भर के ऑयल डाली हूँ। यहाँ पर ली मैंने एक मीडियम साइज की अनियन प्याज, इसे मैंने बहुत ही बारीक
कट की हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी अनियन हल्की हल्की पिंक हो चुकी है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम सिर्फ उसकी स्मेल निकलने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे लियो मैंने धनिया पाउडर, ये लियो रेड चिल्ली पाउडर, ये लियो मैंने चाट मसाला और ये लियो मैंने मैगी मसाला, यहाँ पे लियो मैंने जीरा पाउडर। इन सभी मसालों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें चॉप किया और टोमेटो डालती हूँ। ये मैंने एक मीडियम साइज का टोमेटो सॉसेज चॉप की और ये डालती हूँ। टोमेटो हम जब भी डालते हैं उसके साथ हमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट हमने चने बॉईल करते हुए भी डाले थे और अभी हम इसमें मसाले के लिए सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे एक से दो मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे, इससे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करते हैं। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना है तो आप इसमें और ज्यादा लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही चटपटे और बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये आप जरूर रेसिपी ट्राई कीजिए। देखिए हमारे चने कितने अच्छे से पक रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को और मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, उससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलती है स्क्रीन में। और हम इसे एक से दो मिनट और चलाते हैं और फिर आपको डिश आउट करके बताते हैं। ये देखिए हमारे चने रेडी हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही चटपटे। आप इसे जरूर बनाइए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली मेरी हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। चलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।